हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? और ये आप देख सकते हैं, यहाँ जो आपके सामने मॉडल है, ये TSLT22A+ प्रोजेक्टर है। तो मैं इसकी, अभी मेरे पास मैसेज आ रहे थे तो मैंने बोला इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ मैं। देखिए, इस तरीके की पैकिंग में आता है, ये ऐसी पैकिंग रहती है इसकी, काफ़ी सॉलिड। ठीक है, थर्माकोल लगा रहता है इसके अंदर, पूरा प्रोजेक्टर है इधर से ही सीधा है ये। ठीक है, ऐसी पैकिंग में रहता है। यहाँ पे एसेसरीज बॉक्स भी रहता है, एक मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। और दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को भी लाइक करिए। ठीक है, मैं इसे निकाल के दिखा देता हूँ आपको पूरी एसेसरीज, फिर प्रोजेक्टर भी दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, प्रोजेक्टर के साथ में जो एसेसरीज है वो ये है आपकी। पावर केबल है, रिमोट है, एवी केबल है, एचडीएमआई केबल है। ठीक है, और ये मेरे तरफ से आपको एक वायरलेस माउस भी मिलता है। ये ऑफ़र हमेशा रहता है, कभी भी बंद नहीं होता मेरे पास। 32 GB पेन ड्राइव है। यदि आपको इसमें कोई मूवी वगैरह चाहिए हो तो आप मुझे बता देना, और ऑर्डर आपका एक दिन पहले होना चाहिए मूवी वगैरह डालने के लिए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ऑर्डर रहते हैं। तो मूवी सभी में पेस्ट करता हूँ। अचानक आप ऑर्डर दे के बोलेंगे सर मूवी डाल दीजिए, तो मैं एकदम नहीं डाल पाऊँगा, इसलिए एक दिन पहले ही ऑर्डर दें। और ये रेड एंड ब्लू 2 3D ग्लास है, ये एसेसरीज है प्रोजेक्टर के साथ में। ओके, एसेसरीज ये हैं। और अभी मैं आपको एक सेकेंड में प्रोजेक्टर निकाल के आपको वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी पैकिंग ऐसी थर्माकोल की रहती है। और जब मैं भी पैकिंग करता हूँ तो इस बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स और चढ़ता है, उसके ऊपर बबल्स वाली जो पन्नी आती है, एक पॉलिथीन, वो पूरी 3 राउंड 4 राउंड घुमाता हूँ। उसके बाद टेपिंग वगैरह करके अच्छे से भेजते हैं हम। ठीक है, मैं इसमें से भी इसे निकाल देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने प्रोजेक्टर जो है पूरा निकाल लिया है, बाहर ओपन कर लिया है, और ये देखिए काफ़ी अच्छा प्रोजेक्टर का जो है लुक है देखने में। ठीक है, ये LED प्रोजेक्टर यहाँ लिखा हुआ है, और ये लेंस कैप है, काफ़ी सॉलिड लेंस कैप भी, काफ़ी अच्छा है प्रोजेक्टर का लेंस है। और इसमें जो है फोकस जो है रिमोट से ही सेट होगा, ये फोकस लेंस सेट करने का यहाँ दिए हुए हैं 2 बटन, वो मैं आपको ऑपरेट करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है, लेंस है ये, देखिए फ्रंट साइड से, और पूरा टच पैनल दिया हुआ है यहाँ पे, ये पूरा टच के थ्रू काम होता है, प्रेस वाला बटन नहीं है। ओके, और ये इस साइड से भी आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर, ये देखने में इस तरीके का है। दोस्तों, जो मेरा पुराना चैनल था वो बंद हो गया कॉपीराइट स्ट्राइक के कारण, इसलिए मेरा न्यू चैनल है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यहाँ आप बैक साइड से देख सकते हैं, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको मैनुअल कीस्टोन मिल जाएगा इसके अंदर, डिजिटल 4D कीस्टोन भी है इसके अंदर, बाकी मैनुअल भी यहाँ से कर सकते हैं आप। यहाँ पावर स्विच दिया हुआ है, ठीक है, एक क्लिक पे यहाँ पे ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है प्रोजेक्टर। बट प्रोजेक्टर में भी और रिमोट में भी आपको ये ऑप्शन मिलता है, इसलिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिमोट से ही कर सकते हैं। यहाँ ऑक्स आपको मिल जाएगा, एक कनेक्टिविटी AV कनेक्टिविटी है, दो आपको USB मिल जाएगी यहाँ, दो HDMI है, रिमोट आयर ब्लास्टर रिमोट आया है इसका, ईजिली वर्क करता है, स्क्रीन की तरफ भी करके चलाएंगे आप तो आराम से चलता है। पावर केबल है यहाँ पे, ठीक है, पावर केबल यहाँ लग जाएगी आपकी। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे दोस्तों एक हाथ में मोबाइल है इसलिए मैं थोड़ा सा इस तरीके से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपका फ़िल्टर है, फ़िल्टर जो है यहाँ एक क्लिक, या यदि आप यूँ करके करते हैं तो देखिए यहाँ से आउट हो जाता है। एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरीके से आउट हो जाता है। और ये जो है आपका फ़िल्टर है, इसको आप कलर वाले ब्रश से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, ये आउटसाइड वाला है, इसमें ब्रश आप अच्छे से मार के इसको क्लीन करके, टाइम टू टाइम क्लीन करके वापस आप इसको इन कर सकते हैं इस तरीके से। ये क्लिक किया, वापस लग गया, ठीक है। और ये टॉप साइड से है प्रोजेक्टर। अब दोस्तों, वीडियो बनाने में इतना स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ, जो कोई गलती हो तो उसके लिए सॉरी, और आप मेरे को सजेस्ट करना कि क्या रह गया है, वो मैं अगले वीडियो में
कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप, TS कंपनी का प्रोजेक्टर है ये, और प्रोजेक्टर का मॉडल नंबर जो है TS-LT22A+ है। मैंने शायद शुरू में बताया भी आपको, और अभी मैं इस प्रोजेक्टर पे ही पूरा स्पेसिफिकेशन डिटेल आपको बताऊंगा पेन ड्राइव लगा के। ओके, तो ये TS आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा इसमें, और मैं प्रोजेक्टर को आपको नीचे से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे नीचे से आपको पूरा इस तरीके का दिख जाएगा, ये रबर इसके निकल जाएंगे यहाँ से, ये एक एक दो तीन चार, यहाँ से आप इसको निकाल के सीलिंग माउंट कर सकते हैं। ओके, और ये आप देख सकते हैं मॉडल नंबर भी यहाँ डला हुआ TS-LT22A+। बाकी पूरी डिटेल डली हुई है यहाँ, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। जैसे कि इसके यहाँ पे नीचे जो है ये एक बटन दिया हुआ है हाइट एडजस्टमेंट के लिए, यदि आपको रखना हो तो आप इसको यूँ खोल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको जितना लगता है बटन प्रेस करके। ये देखिए प्रेस करके आप इसको सेट कर सकते हैं, इतना निकल जाता है ये, आपको जितना चाहिए बटन प्रेस करके आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से ही वर्क करता है। तो मैं दोस्तों प्रोजेक्टर को यहाँ पर सेट कर लेता हूँ अपना, सारी एसोसरीज और जो भी पॉसिबल था वो मैंने आपको दिखा दिया है। मैं प्रोजेक्टर का सेटअप यहाँ पे कर देता हूँ, देखिए प्रोजेक्टर यहाँ रख दिया है मैंने ये। ओके, तो प्रोजेक्टर यहाँ रख दिया है, ये पावर केबल है, पावर केबल यहाँ लग जाएगी पीछे, पावर केबल ये लगा दी है, और यहाँ से जो है मैं इसे ऑन कर लेता हूँ अपना। ये देखिए ब्लू लाइट यहाँ आ गई है। ओके, अभी मैं हम इसको ऑन कर देते हैं। और प्रोजेक्टर ये देखिए ऑन हो गया है, ये मैनुअल कीस्टोन जो यहाँ पीछे दिया हुआ है इसी से हम इसका स्क्रीन इस तरीके से सेट कर सकते हैं। बाकी आपको डिजिटल 4D कीस्टोन भी दिया हुआ है, आप उधर से भी सेट कर सकते हैं। प्रोजेक्टर ऑन हो रहा है, प्रोजेक्टर की सबसे पहले मैं आपको देखिए अभी ऑन होने दीजिए, मैं आपको पूरी फुल डिटेल भी दिखाता हूँ। और मेरे रूम में यहाँ पे जो है पिंक लाइट भी ऑन है, बाहर सॉन्ग बज रहे हैं, मेरा जो ऑफिस है घर के ऊपर ही है तो यहाँ सब जगह सॉन्ग वगैरह भी बजते रहते हैं, तो उनका कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैं दरवाज़ा बंद कर रखा है। और मेरे यहाँ कोई भी बल्ब LED बल्ब अंदर नहीं लगा हुआ है, पहले लगा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, मैं जो है प्रोजेक्टर तो देखिए आपको दिखाई दिया है, यहाँ सेट कर दिया है। अब मैं आपको यहाँ पे जो है स्क्रीन साइज भी दिखा देता हूँ। ये डिस्प्ले जो है 16 फीट 6 इंच से मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी बड़ा स्क्रीन साइज बना हुआ है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं 150 इंच, 150 इंच का स्क्रीन साइज यहाँ पे बना हुआ है, और काफी बड़ा स्क्रीन साइज है ये। बहुत ही ज़बरदस्त क्लियरिटी है प्रोजेक्टर की, वो मैं आपको सब वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा दोस्तों। देखिए आपको कोई मूवी वगैरह का वीडियो देखना हो तो आप मेरे को बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट करें, मेरा कांटेक्ट नंबर तो देखिए आपको यूट्यूब पर मिल ही जाएगा। आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल जो भी हो गया हेल्प करूँगा बिल्कुल मैं आपकी, और आपको जो भी वीडियो देखना होगा मैं दिखाऊंगा बिल्कुल। मैं अभी देखिए इसमें मैंने USB यहाँ कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं USB से आपको मैं सबसे पहले इसमें प्रोजेक्टर की डिटेल दिखाऊंगा मैं। देखिए अभी सबका स्पेसिफिकेशन फाइल मैंने यहाँ डाल रखा है, TS-LT22A+ है ये प्रोजेक्टर अपना, तो अभी इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये
प्रोजेक्टर पूरा, ये सामने आपके डिस्प्ले हो गया है, ये पूरी डिटेल दिखाने के लिए है यहाँ पे, ठीक है। TS LED FHD स्मार्ट प्रोजेक्टर, हाई लुमिनस क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्टर को आप जो है स्मार्ट क्लास में, एजुकेशन, बिजनेस, ऑफिस प्रेजेंटेशन, होम एंटरटेनमेंट, होम सिनेमा के लिए आराम से आप यूज़ में ले सकते हैं। मेरे यहाँ पे भी मूवी शो वगैरह चलते हैं, इसमें मैं भी मूवी दिखा चुका हूँ कई कस्टमर को, और काफ़ी प्यारा मॉडल है, आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप एक LED TV में, मतलब यहाँ पे वो सॉरी एक प्रोजेक्टर पे आप देख रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे एक LED TV में आप यहाँ पे मूवी इंजॉय कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ प्रोजेक्टर का जो एक इमेज बना हुआ है इस जगह पे, मैं दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं TS स्मार्ट अपग्रेडेड प्रोजेक्टर है, 4K 8K वीडियो सपोर्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 9.0 है, वाईफाई ब्लूटूथ मिरर स्क्रीन मिल जाएगा आपको, ठीक है। और मैं स्पेसिफिकेशन भी आपको दिखा देता हूँ, और देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए रिमोट को देख स्क्रीन की तरफ करके आप आराम से ऑपरेट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे भी आप इस तरीके से छत की तरफ मैंने कर रखा है ऊपर, देखिए कितना इजीली एकदम वर्क कर रहा है यहाँ पे। ओके, रिमोट काफ़ी प्यारा चलता है इसका, और मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा लाइट ऑफ कर दूँ। देखिए अभी आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है आपका, थोड़ा मेरी फिंगर यहाँ फोकस कर रहा है, मॉडल नंबर यहाँ दिख जाएगा आपको, TS LT 22A+ 4K 8K, ठीक है। वीडियो सपोर्ट है यहाँ पे, LED+ LED आप देख सकते हैं, मैं बोल के बताता जा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये मेरी उंगली को फोकस कर रहा है कैमरा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसकी टेक्नोलॉजी जो है, प्रोजेक्शन प्रोजेक्टर टेक्नोलॉजी जो है LED+ LCD LTPS 6.2 इंच टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, LCD जो डली हुई है। ब्राइटनेस जो है 9800 लुमिनेंस है, और अपना मैक्स सपोर्ट जो है 4K 8K रेजोल्यूशन करता है प्रोजेक्टर सपोर्ट। ANSI लुमिनेंस 1800 है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको डेलाइट में भी देख सकते हैं आराम से। देखिए मैं अपना दरवाज़ा भी ओपन करके दिखाता हूँ, अगर सॉन्ग नहीं चल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पूरा डोर ओपन कर दिया है, मैं देखिए स्क्रीन के सामने जाके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मेरे को, आप देख सकते हैं मैं कितना क्लियरली नज़र आ रहा हूँ, इतनी लाइट में भी आप इसकी ब्राइटनेस देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। ओके, इतनी लाइट अंदर आ रही है यहाँ पे, ये देखिए दरवाज़ा ओपन कर दिया है मैंने बिल्कुल, और दोस्तों बिल्कुल कोई भी कमी मेरे को यहाँ नहीं लग रही है, एकदम ब्राइटनेस शानदार देखने के लिए मिल रही है एकदम। मैं डोर जो है क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद में ANSI लुमिनस 1800 है, नेटिव रेजोल्यूशन 1920 1080p है, और आप ऑपरेटिंग सिस्टम देख सकते हैं CPU 35 4 कोर, और ये पूरा 1.5 GHz एंड्रॉयड 9.0, रैम रोम 1 GB 8 GB है, ब्लूटूथ वाईफाई एयर प्ले कास्टिंग यूट्यूब प्ले, ये सभी आपको इसमें ऐप मिल जाएंगे यहाँ पे, जो भी है मैं आपको सब चला के भी दिखाऊंगा जितना पॉसिबल होगा, ठीक है। और आप इसको एजुकेशन के लिए, वही आप इसमें 150 इंच से लेके 120 इंच तक लिखा है, लेकिन जो इसकी ब्राइटनेस है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ, तो आप 150 इंच पे भी आप इसको आराम से चला सकते हैं। यहाँ देखिए 150 इंच का काफ़ी बड़ा स्क्रीन साइज़ बना हुआ है, तो इसमें आप 9 वाट के LED बल्ब में मैंने चलाया हुआ है इसको, तो काफ़ी अच्छा दिखता है, मतलब 9 वाट के LED बल्ब में तो चलता है, और आप देख ही सकते हैं ब्राइटनेस, मैंने पूरा डोर ओपन करके दिखाया आपको यहाँ पे फुल लाइट के अंदर, तो आप आराम से इसको और 150 इंच तक बना सकते हैं, 120 इंच भी बना सकते हैं डे लाइट में थोड़ा, ठीक है। और यदि आप इसको डार्क रूम में चलाते हैं तो 300 इंच तक का आप, मैं देखिए दोस्तों आपको बेस्ट स्क्रीन साइज़ बताता हूँ, ठीक है। इसमें जो है रिमोट के थ्रू दिया हुआ है यहाँ पे फोकस सेट करने का, वो भी मैं आपको भी दिखाई देता हूँ, बात हो ही रही है तो। ये यहाँ पे देखिए, इसमें जो मैंने बताया था रिमोट का जो है, रिमोट से आप इसका लेंस सेट कर सकते हैं, ये देखिए सामने फोकस सेटिंग ये आ गया है यहाँ पे, तो ये चीज़ दी हुई है, तो ये मिनिमम आपका जो है 300 इंच तक बना देता है स्क्रीन साइज़। ओके, अगर ये नहीं होता इसके अंदर तो आप जैसे अदर वीडियो भी आप देखते होंगे यूट्यूब पे, उनके अकॉर्डिंग तो ये फिर अगर ये चीज़ इसके अंदर नहीं होती, मैनुअल होता तो आपको बिल्कुल 500 इंच तक का स्क्रीन साइज़ बना के देता। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप हर कोई बंदा गार्डन में ही प्रोजेक्टर लेके बैठ जाएगा, घर में तो भाई देखो 150 इंच का भी स्क्रीन साइज़ बन जाता तो बहुत बड़ा होता है वो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, आप 300 इंच का भी बहुत कम बंदे ही बनाते हैं स्क्रीन, ठीक है। तो आप 300 इंच तक इसमें मैक्स बना सकते हैं मूवी के लिए, और बाकी इसमें आप नीचे फिर देख सकते हैं यहाँ पे
एस्पेक्ट रेशियो जो है आपको 4:3, 16:9 का मिल जाएगा। डिस्प्ले टाइप जो है एलईडी है और एलटीपीएच डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, तो कलर वगैरह लगभग डीएलपी वाला ही आपको फीलिंग देता है। सेम तो नहीं लेकिन सुपर से ऊपर आपको मज़ा आ जाएगा। डीएलपी प्रोजेक्टर लेने की कभी आपको आवश्यकता महसूस नहीं होगी इस प्रोजेक्टर में, ठीक है। रेड एंड ब्लू 3D है ये, एनाग्लाफ 3D है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो है इसका 18,000:1 का है, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं कीस्टोन आपका यहाँ पे 6D की स्टोन करेक्शन है, जो मैंने आपको मैनुअली दिखाया है वो भी अप एंड डाउन वाला भी, और डिजिटल 4D की स्टोन भी इसके अंदर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और एलईडी टेक्नोलॉजी वाइट ये आप देख सकते हैं 190 वाट का एलईडी, इसमें जो लाइट फोकस जो अपन बोलते हैं लैम्प 190 वाट का डला हुआ। लाइफ जो है 50,000 घंटे है प्रोजेक्टर की। 50,000 घंटे निकालने के लिए आप इसको 4 से 5 घंटे कंटिन्यू चलाइए, उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट दे दो, प्रोजेक्टर ठंडा हो जाए, उसके बाद दोबारा आप इसको 4 से 5 घंटे यूज़ में ले सकते हैं। और प्रोजेक्टर जो फिल्टर मैंने आपको दिखाया शुरू में वीडियो में, आप उसको टाइम टू टाइम क्लीन करिए, तो प्रोजेक्टर आपका लॉन्ग टाइम तक आपका बिल्कुल साथ देगा, ठीक है। और बाकी जो कनेक्टिविटी बेसिक जो है HDMI कनेक्टिविटी मैंने सब आपको दिखाई दी है इसके अंदर। आप HDMI, USB, AV, ऑडियो, ब्लूटूथ, वाईफाई ये कनेक्टिविटी है। वीडियो फॉर्मेट भी आप यहाँ देख पा रहे होंगे सामने, जो आपका यहाँ पे जो नीचे साइड में दिख रहा है आपको, यहाँ ये पूरा वीडियो फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। मैं मोबाइल का कैमरा थोड़ा बंद कर देता हूँ, ठीक है। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इतनी सी लाइट से उसको, सॉरी फ्लैश लाइट बंद कर देता हूँ, कैमरा बोल दिया मैंने, ओके। और बाकी आप यहाँ पे एसोसीरीज़ में आप देख सकते हैं, यहाँ एसोसीरीज़ वाला जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ठीक है। एसोसीरीज़ में HDMI, AV के AV केबल, पावर केबल और आपका रिमोट है, ठीक है। HDMI केबल है। बाकी मेरी तरफ से जो है आपको एक वायरलेस माउस दिया जाएगा, क्योंकि कुछ भी टाइप करने के टाइम पे कुछ कमी लगती है तो वो आपकी पूरी हो जाएगी किससे, वायरलेस माउस से। माउस से आप बैठ के कहीं पे भी टाइप कर सकते हैं बिल्कुल, यूट्यूब पे भी टाइप कर सकते हैं, ईमेल आईडी वगैरह डालना है, बाकी टाइप करने के टाइम पे आप इजीली टाइप कर सकें, इसलिए मैं वायरलेस माउस देता हूँ। 32 GB पेन ड्राइव में आपको फुल HD मूवी डाल के दे दूँगा आपको, जो भी लिस्ट हो आप मेरे को भेज देना, बट 1 दिन पहले आपको मेरे को ऑर्डर करना पड़ेगा या आपको बताना पड़ेगा कन्फर्मेशन। और दोस्तों देखिए बात नहीं चली रही है, तो कैश ऑन डिलीवरी भी हो जाता है, ₹500 आपको कन्फर्मेशन देना होगा, बाकी बैलेंस पेमेंट प्रोजेक्टर मिलने पर आपको जब पार्सल मिलता है कुरियर बॉय को आप पेमेंट करके पार्सल रिसीव कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। स्पीकर जो है इसमें 10 वाट का डला हुआ है, जिसकी आवाज़ काफ़ी सफिशेंट है, बस बेस नहीं आएगा लेकिन आपको वॉइस बिल्कुल भी कम नहीं होगी, 1% भी कम नहीं लगेगी आपको कहीं से भी, आवाज़ बहुत तेज़ है प्रोजेक्टर की, ठीक है, काफ़ी लाउड है। और प्रोजेक्टर का नेट वेट जो है 2 किलो 500 ग्राम है, मतलब 2.5 किलो का है, और जब पैकिंग वैकिंग करके भेजता हूँ तो 5 kg 5.5 kg का बन जाता है, ओके। तो ये जो डिटेल थी, मैंने डिटेल तो आपको पूरी जो पॉसिबल थी सब दिखा दी है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं हम इसका, देखिए होम स्क्रीन आपने देख ही लिया, इस तरीके का यहाँ होम स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएगा प्रोजेक्टर का। और यहाँ पे आपका जो है ऐप स्टोर है, ऐप स्टोर में से आप जो भी चाहें यहाँ पे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो भी इसके अंदर मौजूद है, जैसे VLC प्लेयर, MX प्लेयर या जो भी है। इसमें आपको मैं थोड़ा दिखाने की भी कोशिश करता हूँ, ये देखिए आपके सामने ये ऐप जो भी हैं आप ये डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ओके। अब इसमें तो बहुत ऐप हैं, अभी मैं दिखाऊंगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, वैसे ही अभी 18 मिनट का हो चुका है वीडियो, ठीक है। तो आप प्ले ऐप स्टोर से यहाँ अपने ऐप वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिस्टम ये थोड़ा यहाँ पे ये चीज़ तो देखिए दोस्तों, मैंने कभी यूज़ की रही है, मेरा स्क्रीन टाइप का कुछ दिखा रहा है, वाईफाई से कनेक्ट होकर चलता होगा, तो ये मैं आपको कुछ बता नहीं सकता उसके बारे में। बाकी यहाँ पे मीरा कास्ट आपको मिल जाता है, मीरा कास्ट में आपको जो है यहाँ पे आपका मोबाइल फ़ोन जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपका मोबाइल का डिस्प्ले है आप इजीली इस पर देख पाएंगे, ओके। तो आप इसके अंदर इजीली जो है डिस्प्ले मोबाइल का देख पाएंगे, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने दूसरा फ़ोन उठा लिया है यहाँ पे, और आपके फ़ोन में भी ये सेटिंग होगी, आप देख सकते हैं, या मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। कनेक्शन एंड शेयरिंग कास्ट, ठीक है, यहाँ पे अपन इसको ऑन कर लेते हैं, ये अभी यहाँ पे शो हो जाएगा थोड़ी देर में, ये देखिए यहाँ पे शो हो गया है नाम, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यही नंबर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, मैं आपको उंगली से दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है यूँ करके, ठीक है, यहाँ क्लिक कर देना है,
ये देखिए आपका जो है स्क्रीन यहाँ पे आ चुका है और आप बिल्कुल इसको आराम से और बिना लेगिंग के चलता है ये, है ना, बिना लेगिंग के आपके यहाँ पे वीडियो प्ले होता है बिल्कुल। तो मैं इसमें देखिए अपना YouTube का मेरा ही वीडियो इस पर प्ले है, आप देख सकते हैं यहाँ पे चल रहा है ये। कॉपीराइट के कारण, कॉपीराइट स्ट्राइक के कारण दोस्तों मेरा एक वीडियो YouTube पूरा चैनल गायब हो चुका है, इसलिए मैं इसमें अभी और कुछ चलाने की रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तो जो मेरे पास है देखिए आप यहाँ पे ईज़िली यहाँ पे चल जाता है ये, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल ईज़िली वर्क कर रहा है यहाँ, और काफ़ी अच्छा आपको बिना लेगिंग के यहाँ पे वीडियो एकदम चल जाएगा। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी है। और मैं आप यहाँ से अपना मोबाइल वगैरह तो कनेक्ट करके चला ही सकते हैं। तो ये सेटिंग भी मैंने आपको दिखा दी है। अधिकतर बंदे पूछते हैं कि सर ये इसमें मिरर स्क्रीन है कि नहीं, तो भैया इसके अंदर है। और यहाँ नेटफ्लिक्स आप देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स हो जाएगा और ये अपना ऑफिस सूट मिल जाएगा आपको, यहाँ कोई फाइल वगैरह आप अपनी चला सकते हैं। ये मैंने यूज़ में नहीं लिया। प्ले स्टोर है यहाँ, ठीक है, प्राइम वीडियो है, VLC है, यूट्यूब है, ठीक है, सेटिंग है। यहाँ आपका वाईफाई सेटिंग मिल जाएगी आपको, आप यहाँ वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं अपना, ठीक है। मैंने यहाँ ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे, ओके, यहाँ से वाईफाई आपका चल जाएगा। यहाँ ब्लूटूथ सेटिंग हो जाएगी, आपका होम थिएटर वगैरह भी कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे इजीली। ये वाईफाई सेटिंग हो गई। प्रोजेक्शन सेटिंग में आपका 4 पॉइंट डिजिटल 4D कीस्टोन जो होता है, ये देखिए आपका ग्रीन वाला ये जिस साइड होगा ना, ये आप देख सकते हैं इसमें, जैसे इस कॉर्नर पर, तो ये कॉर्नर आप सेट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा सेट करके दिखा देता हूँ। अभी यहाँ है तो देखिए स्क्रीन इस तरीके से आपका सेट हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ सेट कर सकते हैं इसको, ओके, और काफ़ी इजीली वर्क हो रहा है। और यदि इसको रीसेट करना हो तो आपको यहाँ पे इस बटन को प्रेस करना है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ जाके ओके कर देना है, वापस जो स्क्रीन था सेटिंग वैसे ही हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो एक क्लिक पे आपका स्क्रीन रोटेट हो जाएगा नीचे वाले पे, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ क्लिक करना है, बस क्लिक करने पर ही रोटेट हो रहा है, देखिए, ओके, क्लिक करने पर ही रोटेट हो रहा है। और देखिए सपोज़ ये आपका 150 इंच का स्क्रीन साइज़ है, इसमें डिजिटल जूम इन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। डिजिटल जूम इन के लिए आपको सिर्फ इसमें यहाँ क्लिक करना है, देखिए स्क्रीन साइज़ कितना छोटा हो गया यहाँ पर, अभी ये बहुत छोटा स्क्रीन साइज बन गया है यहाँ पे, देखिए मैं सामने जाके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कितना छोटा बन गया है ये स्क्रीन। और आप यहीं के यहीं चाहें तो इसमें जितना आपको स्क्रीन साइज रखना है, आप बीच में जितना चाहें आप इतना बड़ा रखना चाहें, इतना बड़ा रखना चाहें, जितना रखना चाहें उतना रख सकते हैं आप, ठीक है। प्रोजेक्टर वहीं के वहीं है, सिर्फ रिमोट से आप जूम इन कर पा रहे हैं इसके अंदर। और बाकी ये सेटिंग मैंने आपको दिखाई दी है जो रिमोट से फोकस सेटिंग करना है, ठीक है। एप्लीकेशन सेटिंग यहाँ आ जाएगी, जैसे अभी VLC इसमें डाउनलोड है तो जो भी यहाँ आपका शो हो जाएगा, ठीक है। डेट सेटिंग यहाँ पे, ये आपका डेट टाइमिंग सेटिंग मिल जाएगी, लैंग्वेज सेटिंग मिल जाएगी यहाँ पे, ओके, और सिस्टम यहाँ पे ऑनलाइन अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अपडेट ये कंपनी से ही होगा, यहाँ से नहीं होगा अपडेट, ठीक है। लोकल अपडेट भी वहीं से ही होगा, यहाँ से आपका रीसेट कर सकते हैं आप प्रोजेक्टर को। यहाँ अंदर सेटिंग मिल जाएगी आपको, यहाँ पे बूट ऑप्शन अभी ऑफ कर रखा है। जैसे आप यहाँ HDMI 1 सेलेक्ट करते हैं या HDMI 2 या AV, जैसे अपन ने HDMI 1 सेलेक्ट किया तो प्रोजेक्टर ऑन होने के बाद सीधा का सीधा HDMI 1 पे चला जाएगा आपको रिमोट से
सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट HDMI 1, HDMI 2 या AV पे यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा सीधे, है ना। प्रोजेक्टर ऑन हुआ और सीधे HDMI 1, HDMI 2 या AV जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ चला जाएगा। और ये जो आपको ऑप्शन है यहाँ पे देखिए ऐसा है कि या स्टैंड बाय पे जब हम पावर स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, जैसे अभी मैंने बोर्ड लगा के आपको फर्स्ट में दिखाया प्रोजेक्टर ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन करते से ही प्रोजेक्टर जब अपन करते हैं तो फिर उसके बाद ये स्टैंड बाय पे, तो आपको यहाँ पावर वाले बटन से यहाँ आपको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे अभी मैंने किया है। यदि आप यहाँ पे डायरेक्ट करके रखते हैं तो आप जैसे ही स्विच ऑन करेंगे प्रोजेक्टर डायरेक्ट ऑन हो जाएगा, ओके। तो ये आपको ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा। और बाकी अच्छा ये देखिए ये यहाँ पे आपका टाइमिंग भी यहाँ मिल जाएगा कि शट डाउन डायरेक्ट यहाँ 2 घंटे तक की टाइमिंग दी है, आप इस पर 2 घंटे पे सेट कर देंगे तो प्रोजेक्टर अपने आप ही ऑफ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेटिंग भी मैंने आपको यहाँ दिखा दी है। अबाउट में आप देख सकते हैं सिस्टम वर्जन वगैरह जो भी आपके सामने हैं यहाँ पे, ओके। तो ये सब जो भी पॉसिबल था मैंने आपको दिखाने की कोशिश तो की है, सब दिखा दिया। बाकी यहाँ फाइल मैनेजर है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये जो भी पेन ड्राइव वगैरह लगता है वो सब हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रोजेक्टर के अंदर आपका 2 TB हार्ड डिस्क भी ईजिली कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको इसमें देखता हूँ कोई वीडियो यदि इसके अंदर पड़ा होगा पेन ड्राइव में, तो मैं आपको प्रोजेक्टर की मेन जो है क्लियरिटी भी यहाँ अभी देखिए, जैसे मैंने इस पर 2 TB हार्ड डिस्क कनेक्ट करी थी कल, तो ये उसी का ही दिखा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये वीडियो मैं इसको म्यूट कर देता हूँ, आवाज़ तो बाकी बहुत सफिशिएंट है प्रोजेक्टर की, आपको मैं दूसरे उसमें वॉइस सुना दूंगा कि इसमें वॉइस की वजह से भी कॉपीराइट आ गया था। और यहाँ आप देख सकते हैं फुल स्टेडियम वाला फीलिंग आपको आएगी वीडियो के अंदर, क्लियरिटी देखिए काफ़ी शानदार है, ठीक है। थोड़ी सी वॉइस भी सुनाता हूँ मैं आपको, लॉन्ग नहीं चलाऊँगा वॉइस, ये देखिए अभी जो वॉइस है आधी हाफ कर देता हूँ मैं, हाफ वॉइस है और काफ़ी सफिशिएंट है। और यहाँ आप क्लियरिटी देखिए कितनी शानदार देखने के लिए मिल रही है, बिल्कुल एक नंबर, मज़ा आ जाएगा आपको, बिल्कुल फुल स्टेडियम वाला फीलिंग आएगी। बहुत गजब क्लियरिटी है, आपको लगेगा ही नहीं कि आप प्रोजेक्टर में प्रोग्राम देख रहे हैं। और ये USB सेटिंग है, ठीक है, और यहाँ पे USB सेटिंग में और HDMI सेटिंग में आपको यहाँ पे जो है ये कलर सेटिंग में मिल जाएगी। आप देखिए यहाँ पे साइड में देख सकते हैं स्टैंडर्ड है, विविड है, कलर वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये सॉफ्ट है, PC मोड दिया हुआ है, यूज़र है, ठीक है, आपको जो सही लगती है आप अपने अकॉर्डिंग करिए बिल्कुल। अभी स्टैंडर्ड पे ही रहने देते हैं इसे, यहाँ पिक्चर सेटिंग है ये, ठीक है, इस स्क्रीन रेशियो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो आपको सही लगता है। और ये वीडियो मैंने आपको दिखा दिया है, थोड़ा थोड़ा सभी वीडियो में आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। बहुत ज़बरदस्त क्लियरिटी देखने के लिए मिल रही है यहाँ पे आपको, मतलब दोस्तों मैं मोबाइल से तो देखो मैं कुछ भी कर लूँ आपको एक्चुअल चीज़ नहीं दिखा पाऊँगा कभी भी जो मैं यहाँ लाइव देख रहा हूँ, ओके, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको दिखाने की। बहुत ही प्यारी क्लियरिटी है प्रोजेक्टर की। और प्रोजेक्टर का प्राइस जो है दोस्तों 23,500 रुपये है, आप मेरे से बाकी कांटेक्ट करें, जो बेस्ट प्राइस होगा वो बेस्ट प्राइस करके दूंगा मैं आपको। क्लियरिटी आपको एक नंबर देखने के लिए मिलेगी प्रोजेक्टर की,
क्लियरिटी आप देख लीजिए। अभी मैं और कोई वीडियो आपको देखी दोस्तों, आपको लगेगा कि सर 4K वीडियो ही प्ले करके दिखाते हैं, लेकिन आपको यदि और कोई वीडियो देखना हो तो आप बिल्कुल मुझसे कॉन्टेक्ट करिए और मुझे बोलिए कि सर हमें ये नहीं, हमें कोई और वीडियो देखना है। आपकी चॉइस के हिसाब से वीडियो में प्ले करके दिखाऊंगा प्रोजेक्टर पर, आपको जो भी वीडियो देखना होगा, ठीक है, मूवी वगैरह का जो देखना हो मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे भेज दूंगा डॉक्यूमेंट्स फाइल बना के, आप उस पर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये वीडियो मैं इसलिए चला के दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोजेक्टर की मेन क्लियरिटी पता पड़ जाती है, क्योंकि ये वीडियो पूरा फुली बिल्कुल पिक्चर क्वालिटी के ऊपर ही बना रहता है, तो इसमें रियल क्लियरिटी आपको पता पड़ती है। और यहाँ क्लियरिटी आप देखिए, ऐसा लगेगा ही नहीं आपको मेरे को, क्योंकि यहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैं एक प्रोजेक्टर में ये वीडियो देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है एक बड़ा LED TV यहाँ फिट है। तो आप अपने घर में यदि LED लगाना चाह रहे हैं तो उसकी जगह आप बिल्कुल इस प्रोजेक्टर को लगा के और एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस ले सकते हैं। मैं आपको अभी देखिए इसमें 2 TB का एक हार्ड डिस्क भी कनेक्ट करके दिखाता हूँ, आप इसकी वॉइस सुनिए कितनी तेज है। यहाँ देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप आराम से यहाँ 150 इंच के स्क्रीन साइज पे भी एंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल। देखिए मेरे को, देखिए मैं क्लियरली नजर आ रहा हूँ आपको, बहुत उजाला है उनके अंदर। ये देखिए दोनों डोर मेरा जो हाइट है जो 8 फिट है और चौड़ाई 4 फिट है, और यहाँ देखिए इतनी लाइट है अंदर, और इतनी लाइटिंग में भी आप क्लियरिटी देखिए प्रोजेक्टर की, क्या जबरदस्त क्लियरिटी देखने के लिए मिल रही है। TSLT 22A+ प्रोजेक्टर है, और ये देखिए मैं 2 TB का हार्ड डिस्क लेके आया हूँ, ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे 2 TB का हार्ड डिस्क है, मैं अभी इसको USB से कनेक्ट करके भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अभी इससे जो है हम बैक चले जाते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको YouTube भी नहीं दिखाया, YouTube भी दिखा देता हूँ मैं। YouTube ओपन हो रहा है, ये देखिए YouTube भी ओपन हो रहा है। एक कस्टमर ने मेरे को यहाँ पे वीडियो बोले थे, तो ये मैंने वीडियो उनके लिए चलाए थे, तो अभी तक इसके अंदर वही शो हो रहा है, ठीक है। 4K वीडियो थोड़ा सा मैं इसमें भी प्ले करके दिखा देता हूँ आपको, पर मैं वीडियो वही प्ले करूँगा जो मतलब दोस्तों कॉपीराइट ना आए, ठीक है। जैसे कि ये वीडियो है, मैं थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। वाईफाई मेरा कनेक्ट किया हुआ है। वॉइस देखिए कितनी तेज है प्रोजेक्टर की, निखार तो गया। ये वीडियो प्ले है और प्रोजेक्टर की वॉइस सुनिए आप कितनी तेज है, ये प्रोजेक्टर की ही वॉइस है दोस्तों। देखिए प्रोजेक्टर यहाँ रखा हुआ है, मैं यहाँ आ जाता हूँ, मैं अभी जस्ट बिल्कुल स्क्रीन के पास में हूँ। देखिए वॉइस की तो कोई कमी नहीं है प्रोजेक्टर के अंदर। क्लियरिटी बहुत जबरदस्त है, ब्राइटनेस जबरदस्त है, सब बिल्कुल बेस्ट। तो
तो ये दोस्तों देखिए, अभी मैंने यहाँ यूएसबी लगा रखी थी बैक साइड में, अभी मैं इसे निकाल देता हूँ। और ये पीसीबी का एक हार्डडिस्क है, मैं पहले इसकी थोड़ी सी वॉइस जो है कम करूँ। और रिमोट भी इसका काफ़ी फास्ट वर्क करता है, ठीक है। ये देखिए, मैं इसको ये 2TB का हार्ड डिस्क जो है इसमें कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, मैंने 2TB हार्ड डिस्क यहाँ कनेक्ट किया, ये लाइट चल रही है अभी। 2000 GB है तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये, जब तक आप यही वाली वीडियो की क्लियरिटी देखिए, फिर मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ सर। बहुत ही अच्छी क्लियरिटी है दोस्तों, LTPS डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में ये है कि आपको लगभग DLP वाला ही फीलिंग मिलेगा बिल्कुल। और कोई पिक्सल वगैरह नहीं फटता दोस्तों, कई भी मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर पिक्सल तो नहीं फटता है, तो देखिए दोस्तों फुल HD में कभी भी पिक्सल नहीं फटेगा आपका, ठीक है। फुल HD में कभी भी आपका पिक्सल जो नहीं फटता है, पिक्सल फटता है 800-600 में, ठीक है। अब आप इतनी पास तो TV में भी जाके नहीं देखेंगे, ठीक है। तो जितना बड़ा स्क्रीन है उतनी पीछे आपको देखना बैठना पड़ेगा। 150 इंच का स्क्रीन साइज आपको कम से कम 15 फीट की दूरी पर ही बैठ के देखना होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो है अभी यूट्यूब से भी वीडियो दिखा दिया है, क्लियरिटी चेक करवा दी है। अब मैं सिर्फ आपको यहाँ पर 2TB का हार्ड डिस्क कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। मैं उसमें कुछ प्ले नहीं करूँगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। दो हज़ार GB है तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये कनेक्ट होने में दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा जो है 2TB का हार्ड डिस्क यहाँ कनेक्ट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं पूरा कलेक्शन मेरा यहाँ पड़ा हुआ है ये, ठीक है। फोर के मूवी भी डायरेक्ट प्ले कर देता है कई फॉर्मेट, जैसे ज़्यादा लॉन्ग फाइल होती है जो ज़्यादा लंबी, जैसे लंबी मतलब मींस जैसे 40 GB, 35 GB, 25 GB तक की नहीं प्ले करता है, पर अधिकतर फॉर्मेट प्ले भी कर देता है। जैसे इसके अंदर अभी RRR भी मेरे पास पड़ी हुई है, पर वही है अभी मैं प्ले करूँगा तो उसमें कॉपीराइट आ जाएगा। आपको देखना हो तो आप मेरे से व्हाट्सअप पे कॉन्टेक्ट करिएगा, जो होगा बेस्ट करके बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है मेरे पास कोई ऐसा वीडियो पड़ा नहीं है जो मैं आपको प्ले करके दिखा दूँ, क्योंकि एक वीडियो प्ले करने के चक्कर में पूरा वीडियो की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर कनेक्ट तो हो जाती है इजली, यह देखिए कनेक्ट तो हो जाता है और चलती भी ये मूवी आराम से, मैंने चला के भी देखी है, ठीक है। ये देखिए 2TB का आर्टिस्ट कनेक्ट है, एक वीडियो मिल गया मेरे को जो अभी मैंने प्ले किया था, ये देखिए यहाँ प्ले भी कर रहा है आराम से और बिल्कुल अच्छा वर्क करता है। तो आप इसमें 2000 GB का भी एक हार्ड डिस्क लगा के आराम से इंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये दोस्तों जो पॉसिबल था मैंने बिल्कुल आपको यहाँ करके बताया है 150 इंच के स्क्रीन साइज़ पे। बाकी दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अपने हिसाब से वीडियो तो बना के डालता ही हूँ। और मेरा मेन मकसद ये रहता है कि देखिए, अगर आप प्रोजेक्टर लेंगे तो मेन पिक्चर क्वालिटी के लिए लेंगे और एक बड़े स्क्रीन के लिए। तो मेरे वीडियो में ज़्यादातर ये होता है कि मैं किसी कस्टमर के लिए वीडियो बनाता हूँ तो वो यूट्यूब पे अपलोड भी कर देता हूँ, ओके। तो बाकी अगर आपको कोई वीडियो देखना हो कि जैसे आपके रूम का साइज़ क्या है, कितनी दूरी से कितना बड़ा स्क्रीन साइज़ बनाता है प्रोजेक्टर, मेरा कौन सा मॉडल आपको पसंद आ रहा है, क्या डाउट्स हैं, आप मुझे बिल्कुल संपर्क करें, मैं आपके अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगा। और देखिए उसमें आपका भी काम हो जाएगा, मेरे और भी व्यूवर्स जो हैं वो वीडियो देखेंगे तो उनको भी पता पड़ जाएगा, उनके भी काम आएगी कि भाई कि मतलब इतनी दूरी से ये मॉडल इतना बड़ा स्क्रीन साइज़ बनाता है, तो वो मेरा भी फ़ायदा रहेगा और आपका भी डाउट्स क्लियर हो जाएगा दोस्तों।
तो आप प्रोजेक्टर परचेस करने के लिए मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट करें, ज़्यादा जानकारी लेने के लिए कांटेक्ट करें। प्रोजेक्टर का प्राइस जो है 23,500 रुपये है, आपको आप मुझसे कांटेक्ट करें, जो होगा बेस्ट प्राइस करके दूंगा। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगी, आप गूगल पे पेटीएम या अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फुल पेमेंट चाहते हैं तो फुल पेमेंट कर दीजिए, लेकिन ट्रस्ट का भी होता है दोस्तों, ट्रस्ट नहीं होता आजकल का जिस टाइप का टाइम चल रहा है उस हिसाब से। तो कैश ऑन डिलीवरी में भी देखिए आपको 500 रुपीज़ पहले देना होगा, क्योंकि कई बार मुझसे भी कस्टमर यदि मंगाते हैं प्रोजेक्टर तो वो वहाँ से लेने से मना कर देते हैं, हम कुछ भी एडवांस पेमेंट नहीं लेते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा बैठे बैठाए जो है नुकसान हो जाता है, तो इसलिए हम कंफर्मेशन का 500 रुपये लेते हैं। और यदि आपको 50,000 से ऊपर का प्रोजेक्टर चाहिए होगा, जैसे मेरा TTS 20D प्लस है, उसमें जो 50,000 तक का कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगा, उसके ऊपर का जो पेमेंट रहेगा वो आपको ऑनलाइन देना होगा, बाकी का 50,000 का कैश ऑन डिलीवरी करवा दूंगा मैं, ठीक है दोस्तों। तो आप मुझसे बिल्कुल कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सअप पर मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल करें, आपको जैसे सही लगता है, और आप सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं मुझे, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, ठीक है। तो जो भी पॉसिबल था मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश करी, बिल्कुल ये मॉडल लिखा हुआ TSLT 22A+। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।